इंडोनेशिया ने पामोलिन और आरबीडी पाम तेल निर्यात पर लगाए प्रतिबंध से वैश्विक खाद्य तेलों के बाजार में चिंता पैदा कर दी है। रूस यूक्रेन युद्ध के कारण यूरोप के कई देश खाद्य तेल संकट से जूझ रहे हैं। इंडोनेशिया के प्रतिबंध से एशिया के देशों की मुसीबत बढ़ गई है। पाकिस्तान के सामने संकट खड़ा हो गया है। पाकिस्तान में सैचुरेटेड वनस्पति तेल का घी के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसमें पाम तेल का सबसे ज्यादा उपयोग होता है। पाकिस्तान ने इंडोनेशिया से निर्यात खोलने की अपील की है। भारत सरकार इंडोनेशिया द्वारा प्रतिबंध के बाद खाद्य तेल की कीमतों में बढ़ोतरी को कम करने के लिए खाद्य तेल आयात पर लगाए गए उपकर यानी सेस में कमी करने पर विचार कर रही है। बाजार में यह बात आने से घरेलू बाजार में खाद्य तेलों में लेवाली कमजोर होने से भाव में गिरावट रही। सोयाबीन तेल इंदौर 20 से 30 रुपए घटकर 1600 से 1610 रुपए प्रति 10 किलो रह गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उपभोक्ता मामलों खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 5% AIDC यानी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस में कटौती का प्रस्ताव देने की संभावना है। वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग द्वारा अंतिम निर्णय लिया जाएगा। वहीं इंडोनेशियाई प्रतिबंध के बाद भारत पाम के तेल की आपूर्ति के लिए वैकल्पिक चैनलों की खोज कर रहा है। ड्यूटी में कटौती की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक भारत के राजनयिक चैनलों के माध्यम से पाम के तेल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातक इंडोनेशिया के साथ जुड़ने की भी संभावना है और वैश्विक स्तर पर निर्यात प्रतिबंध पर द्विपक्षीय वार्ता भी कर सकते हैं। सूत्रों का कहना है कि हमारे पास वैकल्पिक खाद्य तेल उपलब्ध है, लेकिन असली चिंता कीमतों को लेकर है। उसके लिए ड्यूटी में कटौती हो सकती है। रिपोर्ट मार्केट टाइम्स टीवी। अब नहीं जाना पड़ेगा कहीं। बिग ब्लिस 10 मिनट में लाएगा आपके घर दूध और दही। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।